अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आपका सना सरफराज व्लॉग्स पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिर पार होंगे, बन होंगे, मज़े में होंगे और मुझे देखते होंगे डेफिनेटली। सो गाइज, बहुत सारे लोग मेरे ड्रामे का वेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अगर मेरे लाइक्स शेयर कमेंट्स नहीं होंगे तो मज़ीद ड्रामा नहीं बनाऊंगी। तो मैंने एक एपिसोड बनाई हुई थी, उसको अपलोड किया था, लेकिन उस पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं थे, जिस वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपने क्यों डिलीट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, तो इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया। और मैंने कहा कि अब मैं काम नहीं करूँगी अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो। लेकिन अब ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस वजह से मैं उसको अपलोड करूँगी बहुत जल्दी। लेकिन फ़िलहाल ये मैंने व्लॉग बनाया है, क्योंकि बहुत टाइम से तो मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो मैंने कहा चलो एक आज एक कुछ खाने का व्लॉग बना लेते हैं। लेकिन इस व्लॉग में कुछ नया ये है कि खाना मैं बना रही हूँ। ओह माय गॉड, आप लोगों को शौक लगा होगा, लेकिन ऐसा ही है क्योंकि शूटिंग में मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं बाहर से मंगवा के हम लोग खा के, और मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, और बहुत सारे लोग अब मोटी मोटी कहते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से जो है ना, अब खुद ही खाना बनाना है और ख़ुद ही खाना है। तो अभी मैं चिकन बनाने वाली हूँ, और खबरदार किसी ने मेरी रेसिपी कॉपी की। ओके, सो इस वजह से मैं किचन के आगे खड़े होकर वीडियो स्टार्ट की है। सो इधर ही अभी मैं वीडियो बनाऊँगी और आप लोग देखेंगे। और मतलब खाना बनाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, इतनी मुश्किल से तो मैं बनाती हूँ ना, क्योंकि जाहिर बात है जो अकेला बंदा होगा तो उसको तो खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, और रोज़ बाहर से मंगवा के ना, तो बंदे का जो है ना पूरी डाइट मैंने अपनी ख़राब कर लिया। चलें देखते हैं क्या होता है। इसलिए ना मैं खाना नहीं बनाती, कोई बस मुझे काट के दे देना तो मैं बना लूँ, इतना मुश्किल काम है ना। ऊपर से जो प्याज है ना आँखों पर लगता है, और दूसरा मेरे नाजुक से हाथ हैं बेचारे, इनको इतना काम करने पड़ते हैं। उफ, चलो देखते हैं। और उफ, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, अब पता नहीं काटूंगी इसे कैसे मैं। सो गाइस, देखें मैंने रिंग लाइट लगाई है, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्योंकि कम है। और छोड़े इस बातों को, ये देखें मैंने प्याज को कट किया है, आप देखें कितना अच्छा प्याज कट करती हूँ मैं, वाओ। और उसके बाद ये मैंने ग्रीन चिलीज कट की हैं, ये टमाटोज हैं, और ये चिकन मैंने वॉश करके रख दिया है। तो और इस प्याज से जो मेरी आंखों की हालत हुई है ना, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, छोड़ें हेयर फॉरगेट इट। आधे घंटे बाद मैंने अब दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, कटिंग के आधे घंटे बाद। हेयर वट एवर, अब इनको हम कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइस, ये मैंने प्याज काटा जैसे कि आप लोगों को दिखाया है, और अब हम इसको लहसुन इन सब चीज़ों को इसमें डालेंगे। मेरी कोई अलग सी रेसिपी है, मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ, जो बनेगा पर बहुत मज़े का बनेगा, वाओ। सो गाइस, इसमें हम पानी ऐड करेंगे, मैंने पानी डाल दिया। आप लोग कह रहे होंगे ये मैं क्या बना रही हूँ, पर जब बनेगा ना फिर आप लोगों को नज़र आएगा। तो अभी हम इसको रखेंगे चूल्हे पर, और इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। गाइस, एक स्पून हमने रेड मिर्च, खुशबू के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर, सूखा धनिया जिसे कहते हैं, ऐड कर रहे हैं क्यूमिन, सफ़ेद जीरा, थोड़ा सा हम अभी ऐड करेंगे, थोड़ा बाद में। गाइस, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 स्पून सॉल्ट। ओके, सो गाइस, अब हम इस मसाले को ऐड करेंगे पानी में, ऐड हो गया। तो गाइस, अब हमने ऑन कर लिया चूल्हा, रखेंगे चूल्हे पे। उफ़ला, कितना भारी है। इसको हम करेंगे कवर, लहसुन गलने में टाइम लगे, हम इसको 20 मिनट यहीं पे रखेंगे जब तक हम वीडियो देख के आते हैं अपनी। सो गाइस, हमारा प्याज लहसुन वगैरह गल चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अब हमने टमाटर ऐड करके इसको वापस दम पे लगा दिया है ताकि टमाटर भी गल जाएं। अब हम दोबारा से 10 मिनट वेट करेंगे। सो गाइस, मसाला हमारा हो गया है रेडी, और बाकी जो थोड़े से टमाटर गले हैं वो चिकन के साथ ही गल जाएंगे। तो आप लोग देखें कितना लश लग रहा है, वाओ। इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। तो ये हमारा चिकन है, ये हम सारा, ये हाफ के जी है, तो ये हम इस पर ऐड करेंगे। ऐड हो गया, अब हम इसको कवर कर देंगे। ओके गाइस, अब हम
वेट करेंगे ये गलने का, वेट करेंगे देखेंगे कब तक रेडी हो जाता है ये, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस पानी हमारा खुश्क हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। इसमें हमने ऑयल ऐड कर लिया है 2 हांडी के चम्मच और अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। वाओ सो गाइस वाओ लुक यम्मी, देखिए चिकन अच्छी तरह गल चुका है, अच्छी तरह हमने भून लिया है इसको और देखिए इसका कलर निकल आया है और बस 2 मिनट इसको और भूनना है और उसके बाद हमारा खाना हो जाएगा रेडी। वाओ देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। ले इसको बंद की शक्ल नज़र आ गई आप लोगों को, वाओ ये इसकी लास्ट लुक है। इसमें हमने बाद में काली मिर्च भी ऐड की थी 1 टेबल स्पून और अभी हम इसको इसको हमने इस बाउल में डालना है ताकि इसकी लुक कुछ नज़र आए आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट, गरम है ये तो ओके, चिकन रेडी हो चुका है, हम इसको ट्राई करते हैं। सो यम्मी स्पाइसी है। और इसके अलावा मैं रोटी का भी ज़रूर व्लॉग बनाती लेकिन अब वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको रोटी बना के भी दिखाऊंगी कि मैं कितनी गोल बनाती हूँ। किसी को यकीन नहीं आता लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने कुकिंग करना मुझे आती है और मैंने कुकिंग कर ली है और आप लोगों ने देख भी लिया है। सो गाइज मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर कमेंट करें, सो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ और होप्स हो कि नेक्स्ट मैं अपना ड्रामा अपलोड करूँ और आप लोगों ने लाजमी देखना है, अदरवाइज मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं बनाना, मैंने इतना रातों को जाग के ना आप लोगों के लिए ड्रामा बनाया है और आप लोगों ने इतने व्यूज़ नहीं आए तो मेरा दिल टूट जाता है। सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सना सरफराज को दे इजाज़त, तारा।